हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व के बारे में। देखिए, दोनों ही शेयर्स में अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिली है और दोनों ही शेयर्स एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट में भी गिरते हुए देखने को मिले हैं। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों ही शेयर्स में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बजाज फाइनेंस की। 3,316 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी रैली आई थी और एक गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 2.5% का ग्रोथ है। इस बीच 3,027 का लो है और 3,475 का हाई भी इसने बनाया है। एक साल में अगर हम देखें तो 17 से 18% की गिरावट है। 4,885 रुपए तक का इसने हाई बना दिया था, लेकिन उसके बाद आया कोरोना पेंडेमिक आया जो इसको 1,830 रुपए तक खींच के लेके गया। काफी बड़ी और भयंकर गिरावट आई और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस बाइंग की एडवाइस दे रहा था और मैंने कहा था कि मौका है, गिरावट है, मौका है, डेफिनेटली आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है ये। और देखिए, उसके बाद की जो रैली आई ना, इसको पकड़ना तक मुश्किल था। 3,675 रुपए तक ये शेयर गया, बाद में फिर से अभी गिरावट आई है और उम्मीद करते हैं कि दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। 3 साल में देखें तो 80% का ग्रोथ है। 1,595 रुपए तक का लो है, फिर एक बढ़िया रैली। अब देखिए, चार्ट अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। इससे पहले भी एक तेजी के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी। और देखिए, यही एक खासियत होती है फंडामेंटली और बेहतर शेयर्स की कि जब भी गिरावट आती है दोबारा शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर हम देखें बजाज फिनांस, तो डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जरूर है। 2 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 32 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो सितंबर क्वार्टर की अपडेट आ चुकी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, जो पहले 56.20% थी आज वो 56.12% है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएस अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 21.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन जरूर की है। 7.10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.94% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बजाज फिनसर्व इसके सबसे बड़े प्रमोटर है, जो अभी 5,830 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि बजाज फिनसर्व बाप है और बजाज फिनांस बेटे के तौर पर है, लेकिन दोनों ही कंपनियां बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर 52.74% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग बजाज फिनसर्व के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अच्छी खासी होल्डिंग म्यूचुअल फंड और एफआईएस की देखने को मिली है और डिविडेंड भी 500% का दे रहा है ये बजाज फिनांस। अगर हम देखें टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी की उम्मीद है, लेकिन थोड़े से हाई वैल्यूएशन के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। 48 का पी है जबकि इंडस्ट्री पे 29 है। 527 बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.28 है। यहाँ पर हम देखें तो 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी आपको बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं देगा। हर कोई कहेगा कि भैया बढ़िया क्वालिटी का शेयर खरीद लो। और इसके हाल फिलहाल में क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं और वो एवरेज है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। 965 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कम है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में भी उतना ही था। उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर क्वार्टर जो अनलॉक का पीरियड था उसमें तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ और 1,000 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचा है ये प्रॉफिट। जो पहले 1,600 करोड़ 1,500 करोड़ था तो उसके आसपास भी ये प्रॉफिट नहीं है। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आप जरूर कह सकते हैं कि अभी भी जो हम कहते हैं कि अनलॉक के फेज में आ चुकी, प्री कोविड लेवल जिसको हम कब से कह रहे हैं, वहां तक अभी भी शेयर पहुंचता वो देखने को नहीं मिला है। और यही एक चीज है जो शायद इस शेयर को थोड़ा सा कमजोर कर सकती है। लेकिन अगर आपको 3,200 रुपए के आसपास भी ये शेयर मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो और ये शेयर आपको 3,200 रुपए के आसपास भी मिल जाए तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको 3,800 रुपए तक के भी टारगेट जरूर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और खरीदारी की है और आपका नजरिया कम से कम 1 साल तक बने रहने का है तो पैनिक मत करिए, बने रहे, अच्छी खासी रैली दोबारा देखने को जरूर मिलेगी।
बजाज फिनसर्व की बात करें तो 5,831 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी काफी ज्यादा प्रेशर देखने को हमें मिला है। पिछले एक महीने में देखें तो 3% का ग्रोथ है, लेकिन 6,000 रुपए के लेवल से शेयर टूट कर नीचे आया है। 5,427 रुपए से एक बढ़िया रिकवरी आई थी। एक साल में अगर हम देखें तो 4,000 रुपए तक शेयर पहुंचा था कोरोना के टाइम पर, और प्री कोविड लेवल तो भैया 9,900 रुपए का था। गिरावट आई तेजी, और देखिए फ्लैट ट्रेड कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दोबारा एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी यहाँ पर। और तो और लार्ज कैप शेयर है, 94,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एनएसई में देखने जाए तो 6.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ आपको तो शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.71% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.86% और इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.65% की होल्डिंग देखने को मिली है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सबसे इनकी प्रमोटर कंपनी है, 39% से भी ज्यादा की होल्डिंग है और ना के बराबर शेयर्स गिर भी है। 32 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 439 FIIs का पैसा जरूर लगा है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है बजाज फिनसर्व की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें टेक्निकल रीडिंग अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि सेप्टेम्बर क्वार्टर के नतीजे आए हैं और वो अच्छे नहीं थे। प्री कोविड लेवल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर ये नहीं पहुंचे, लेकिन अभी भी 100% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीद लो, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए अगर हम इनके नतीजे की तरफ एक नजर करेंगे तो 1,618 करोड़ का मुनाफा हुआ है जो कम है, क्योंकि जून में 1,922 करोड़ का था। इससे पहले हम 1,900 करोड़, 2,000 करोड़ तक के प्रॉफिट हमें हर बार देखने को मिले थे। तो प्री कोविड लेवल से अभी भी पहुंचने की तैयारी जरूर करें, लेकिन फिर भी उतने अच्छे नहीं है जो इसको आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बजाज फिनसर्व का शेयर भी अगर आपको 5,500 रुपए के आसपास मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वहां पर भी आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 1 साल के निवेश का प्लान हो, और बजाज फिनसर्व आपको 5,500 पर मिल जाए और बजाज फाइनेंस आपको 3,200 पर मिल जाए तो एक अच्छी बाइंग होगी आपके लिए। 1 साल तक निवेशित रहिए और डेफिनेटली बजाज फाइनेंस में आपको 1 साल में 3,800 के टारगेट मिनिमम देखने को मिलेंगे और बजाज फिनसर्व में 6,500 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल दोनों ही शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग है। जनरली ये वो शेयर्स हैं जो गिरते नहीं है, लेकिन पेंडेमिक ने हालत खराब की हुई है और पेंडेमिक ही यहाँ पर इस शेयर को गिरा सकते हैं, वरना फंडामेंटली बेहतर क्वालिटी के ये शेयर है। तो ऐसे शेयर्स पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी इसमें गिरावट आती है तो एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये एक मौका आएगा आपके पास खरीदारी करने का। तो 3,200 बाइंग प्राइस है मेरी तरफ से बजाज फिनसर्व और 5,500 बाइंग प्राइस है बजाज फिनांस के लिए, और आपको कम से कम अच्छा खासा रिटर्न 1 साल में देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।